हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेहुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेंड फॉर द ईयर 11। अब 11 के लिए हमें पहले तो कॉस्ट शीट बनानी है, फिर आगे लिखा हुआ है कि 2012 के लिए हमें टेंडर शीट भी बनानी है। सो पहले 11 का एक काम करते हैं, हम 11 का कॉस्ट शीट बना लेते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 11th का पहले कॉस्ट शीट ले लेते हैं। तो आप देखिए 11th के कॉस्ट शीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सो 11th के कॉस्ट शीट में है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटीरियल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मटीरियल 6 लैक्स। देन डायरेक्ट वेजेस 5 लैक्स। सो 6 लैक्स प्लस 5 लैक्स टोटल करेंगे आंसर होगा 11 लैक्स। ये है हमारा प्राइम कॉस्ट। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही होते हैं, 3 लैक्स रुपीज। सो 11 लैक प्लस 3 लैक्स टोटल हो गया 14 लैक्स। देन ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस सेम होते हैं, 3,50,000। सो 14 प्लस 350, 17,50,000। अब नेक्स्ट आएगा सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, अलग अलग लिखा हुआ है तो अलग अलग लिखते हैं। सेलिंग एक्सपेंस 2,10,000, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 1,40,000। सो टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 17,50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,40,000। तो ये आंसर आ गया 21 लैक। सो नाउ आगे हमें सेल्स दिया हुआ है 25,20,000। अब अगर टोटल कॉस्ट 21 लैक है और सेल्स 25,20,000 है, तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा 4,20,000। तो ये हमारा बन गया कॉस्ट शीट। और ये हमने कॉस्ट शीट कौन से ईयर के बनाया, फॉर द ईयर 11। ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बुक में 11 दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, और मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूँ। आपके बुक में कोई भी ईयर दिया हुआ हो, ईयर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमने बनाई एक्चुअल कॉस्ट शीट। अब हमें बनानी है टेंडर शीट। तो टेंडर शीट में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग टेंडर शीट में क्या चेंजेस होंगे। सो सबसे पहला फॉर्मेट तो मैंने बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। अभी हम एक टेंडर शीट बना रहे हैं। टेंडर क्या होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसमें अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं, जैसे प्रिंटिंग वाले का काम देख लेते हैं। अब प्रिंटिंग जो करते हैं ना, कोई उसके पास जाएगा बोलेगा मुझे विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने, कोई बोलेगा शादी के कार्ड प्रिंट करवाने, कोई बोलेगा मुझे अपने शॉप के लिए बिल बुक प्रिंट करवाना है, कोई बोलेगा रिसिप्ट बुक प्रिंट करवाना है। सो ये मल्टीपल काम करते हैं, तो इनका हर एक प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अ वर्क ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन 11 एंड द फॉलोइंग एक्सपेंस हैव बीन इनकर्ड। अब इनके पास एक वर्क ऑर्डर आया है। सपोज करो आप किसी प्रिंटिंग वाले के पास गए, आपने उसे कहा कि एक मैरिज कार्ड प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको 10, 15, 20 अलग अलग टाइप के कार्ड्स दिखाएगा और उसकी वैल्यू बताएगा कि ये 10 रुपीज़ का है, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है। आप एक कार्ड चूज करोगे, वो हो जाएगा उसका मटीरियल, फिर वो आपको उस पर प्रिंटिंग करके देगा, वो होंगे उसके वेजेस। सो हर पर्सन जो उसके पास आएगा उसका एक जॉब कार्ड बनता है, जहाँ पर वो अलग अलग लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग
अलग अलग लोगों का ऑर्डर लेता है। सो 11 में एक ऑर्डर मिला है उनको जिसमें मटेरियल है 8,000 एंड वेजेस है 5,000। सो 8 + 5 13,000 का हो गया प्राइम कॉस्ट। देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है, अज्यूम दैट इन 12 फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज गोन अप बाय 20%। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% इंक्रीज हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गोन अप बाय 10% एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव ईच गोन अप बाय 10%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव वर्क ऑर्डर सो एज टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट इन 11। अब ये तो ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का वो कौन सा है वो समझिए। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू पॉइंट है और ध्यान से सीखने जैसी पॉइंट है। फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस पर डिपेंडेंट हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस पर डिपेंडेंट हैं। अब डायरेक्ट वेजेस पर डिपेंडेंट है का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 3 लाख एंड डायरेक्ट वेजेस कितने थे 5 लाख। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख एंड डायरेक्ट वेजेस 5 लाख। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ FO, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख देन डायरेक्ट वेजेस 5 लाख। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख हैं तो डायरेक्ट वेजेस 5 लाख थे। अब करंट ईयर में हमें डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेजेस का हमें आंसर दिया हुआ है 5,000 का डायरेक्ट वेजेस है। सो डायरेक्ट वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, डायरेक्ट वेजेस हैं 5,000। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स हाउ मच, आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट वेजेस पहले लिखकर फैक्ट्री ओवरहेड्स बाद में लिख दो तो भी चलेगा का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए और मैं बता रहा हूँ, इफ डायरेक्ट वेजेस 5 लाख देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख, ठीक है। सो इफ डायरेक्ट वेजेस 5,000 देन फैक्ट्री ओवरहेड्स हाउ मच, तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। तो इसका जो आंसर आएगा 5,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आंसर हो गया 3,000, ठीक है। सो ये है फैक्ट्री ओवरहेड्स 3,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 3,000। अब ऊपर दिया हुआ था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज गोन अप बाय 20%। एक तो बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस पर डिपेंडेंट है, जितने डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा फैक्ट्री ओवरहेड्स ज़्यादा। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया 3,000 वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। 20% अप हुए, 20% अप हुए मीन्स 3,000 का 20% करेंगे तो वो हो जाएगा 600। सो टोटल हमारा हो गया 3,600 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 3,000 16,600, ये हो जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज एडमिन एक्सपेंसेस। अब एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिन एक्सपेंसेस हैं ना वो फैक्ट्री कॉस्ट पर डिपेंडेंट हैं। सो हम यहाँ देखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट 14 लाख हैं और एडमिन एक्सपेंस हैं 3,50,000। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ फैक्ट्री कॉस्ट, लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है हमारी 14 लाख, वर्क कॉस्ट भी कहते हैं 14 लाख,
अगर 14 लाख का फैक्ट्री कॉस्ट है तो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। अब करंट ईयर में फैक्ट्री कॉस्ट है 16,00,000, 16,600। सो ए फैक्ट्री कॉस्ट 16,600, देन एडमिन एक्सपेंस हाउ मच? सो ये होगा 3,50,000 इंटू 16,600 डिवाइड बाय 14 लैक्स। सो 3,50,000 इंटू 16,600 डिवाइड बाय 14 लैक्स। तो ये आंसर आ गया 4,150, ठीक है। अब 4,150 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा 16,600 के एडमिन एक्सपेंस के सामने 4,150 प्लस 10% अप हो गए। सो 4,150 का 10% अप करेंगे यानी 415, तो ये टोटल हो जाएगा 4,565। और हम इसमें ऐड करेंगे 4,565, तो ये हो जाएगा 16,600 प्लस 4,565, 21,165। अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने क्या लिखा है 16,600 का 25%। तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन भी है। कौन सा ऑप्शन है कि यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। तो एडमिन एक्सपेंसेस हैं 3,50,000 लास्ट ईयर, फैक्ट्री कॉस्ट है 14 लैक्स, इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। इट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट का 25% एडमिन कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट का 25% एडमिन कॉस्ट ले लिया है। आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इजी है, फैक्ट्री कॉस्ट 14 लैक्स, ऑफिस एक्सपेंस 350, फैक्ट्री कॉस्ट 16,600, ऑफिस एक्सपेंस हाउ मच, और फिर उसमें 10% ऐड कर देना है। अब सेम सेलिंग एक्सपेंसेस करने हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी किस पर डिपेंडेंट है? फैक्ट्री कॉस्ट पर। तो लास्ट ईयर देखें, फैक्ट्री कॉस्ट 14 लैक्स, सेलिंग 2,10,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं If factory cost 14 lakhs, then selling expense 210, selling expenses 2,10,000. So if factory cost 16,600, then selling how much? तो ये होगा 16,600 into 2,10,000 divide by 14 lakhs। पहले आप सम समझ लीजिए, फिर लास्ट में मैं आपको सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए दे दूंगा। 16,600 into 2,10,000 divide by 14 lakhs, तो ये आंसर जो आया हमारा 2,490। सो 2,490 अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंस 2,490 प्लस 10% हम इसमें ऐड कर देंगे 249। सो टोटल हुआ 2,739, ये हो गया हमारा सेलिंग एक्सपेंस। एंड सेम, अब मैं चाहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप खुद से कैलकुलेट करो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप खुद से कैलकुलेट करो एंड ट्राई करो कि आपका आंसर बराबर आ रहा है, अदरवाइज मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 14 लैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन 1,40,000, ये सेलिंग हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ फैक्ट्री कॉस्ट 14 लैक्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने हैं 140, देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस
140,000. If factory cost 16,600, then distribution expense how much? So 16,600 into 140,000 divide by 14 lakhs. तो यह आ जाएगा 1660, 10% हुआ. 10% कैसे गिना मैंने? 140,000 डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, 10% हो गया. ठीक है, सो ये रहा 10%, 1660. और उसमें 10% क्या हुए हैं? एक्सपेंस डाउन हुए हैं. डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो हैं वो 10% डाउन हुए. डाउन हुए हैं तो माइनस करेंगे 10%, 166. सो 1660 में से 166 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1494. टोटल करेंगे 2739 प्लस 21165. सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 25,398. अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे. तो इन्होंने प्रॉफिट कैसे बताया है कि सेम परसेंटेज जो लास्ट ईयर जितना था. ठीक है, तो वो प्रॉफिट कितना था? 21 लाख कॉस्ट पर प्रॉफिट था 420. तो फिर से कैलकुलेशन करना होगा हमें. टोटल कॉस्ट 21 लाख. ठीक है, देन प्रॉफिट 420,000. अब करंट ईयर का टोटल कॉस्ट कितना है? करंट प्रोजेक्ट का, करंट प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 25,398. सो 25,398, देन प्रॉफिट हाउ मच? सो 25,398 इंटू 420,000 डिवाइड बाय 21 लाख. तो ये आ रहा है 5079.6. तो मैं 5080 लिख रहा हूँ. 5079.6 है तो 5080 लिख दिया. सो मैं, या तो सेम भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है. ठीक है, पॉइंट में लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? 5079.6. सो टोटल देखेंगे. सो 25,398 प्लस 5079.6, तो ये हो जाएगा 30,477.6. तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, समझ में आया है. एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिए, ऐसे सम्स खुद से भी ट्राई कीजिए. एक पॉइंट आपने यहाँ से देखा, एक ट्राई कर लिया. ठीक है, सो ये है आपका एक्चुअल शीट. अब मैं आपको एक एक पेज दूंगा स्क्रीनशॉट निकालने के लिए या नोट डाउन करने के लिए. ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें हमने 11 की पूरी डेटा में से कॉस्ट शीट बनाया. ये है आपका टेंडर शीट जिसमें आपको सारे प्लस माइनस करके मैंने सम्स एक्सप्लेन किए. देन अब मैं आपको कैलकुलेशंस दे रहा हूँ. कैलकुलेशंस ये देख लीजिए, ये है कैलकुलेशन आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स की. ये एडमिन एक्सपेंसेस की. ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. और ये प्रॉफिट के लिए. चलिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.